नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोना देख रहे हैं कि $1852 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, वहीं सिल्वर भी $21.7 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। दोनों ही हरे निशान पर हैं, लेकिन जो लेवल्स हैं वो अभी भी कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो अब सोने चांदी में यहाँ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके और आगे क्या ट्रेंड रहेगा सोने का, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजाजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे एमसीवी पर। अमित जी, सबसे पहले अगर गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं कि एक अचानक से गिरावट आई है, डॉलर में भी हमने तेजी बनते हुए देखी, तो अब यहां से गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं वो क्या रहने वाले हैं? जी नमस्कार। देखिए, पिछले आई थिंक दो हफ्तों से जो हमारी बात हो रही है थी कि 52,000 के ऊपर ज्यादा टिकता हुआ नहीं दिखता है गोल्ड। सिमिलरली चांदी जो है वो 66,000 का रेजिस्टेंस था, वहां से लगातार हमने गिरावट देखी है। तो ये जो फॉल है ये इनलाइन हो, $1820 के करीब का एक सपोर्ट था, आज हमने $1830 के करीब जाते हुए देखा, वहां से शॉर्ट कवरिंग भी स्पॉट गोल्ड में आते हुए दिखी है। फिलहाल स्पॉट गोल्ड जो है $1855 के एक ब्रेकआउट पे है, तो एक इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग वो हमें देखने मिल सकता है, जहां पर जो दाम है वो भारतीय बाजारों में करीबन 51,000 के करीब देखने मिल सकते हैं गोल्ड में, और सिमिलरली चांदी में 62,000 के करीब से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई दे सकती है। तो प्योरली इंट्राडे या एक से दो दिन के लिहाज से मैं समझता हूँ, क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा हो गई है पिछले दिनों में, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दोनों में दिखाई दे सकता है। हालांकि जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी डाउन जी। यही से अमित जी, आपको क्रूड ऑयल में क्या लगता है? क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि हल्की सी रिकवरी लौटी है, तो क्या लगता है अब क्या क्रूड के प्राइसेस यहां से तेजी और हो जाएंगे या फिर अभी भी क्रूड में ऐसी हाई वॉलेटिलिटी जारी रहेगी? देखिए, वॉलेटिलिटी तो श्योर है कि जारी रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी मिक्स्ड है। यहाँ पर एक तरफ सप्लाई कंसर्न्स है, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड कंसर्न्स भी उभर के आए हैं चीन से खास करके, तो ये मिक्स फंडामेंटल्स के कारण मैं समझता हूँ उठा पटक जारी रहेगी। और आज की लेकिन अगर बात करें तो जो निचले स्तर से सपोर्ट लेकर प्राइस में मूव आया है वो जारी रहेगा। उसके पहले क्योंकि इन्वेंट्री डेटा तो हो सकता है कि हम इन्वेंट्री डेटा के बाद एक ब्रीफ फॉल देख पाए, जहाँ पर दाम जो है 700-800 तक गिरे, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ जो भी डिप आती है यहाँ से 125 से 150 रुपए की भी अगर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग करके चल सकते हैं। अपसाइड में 8,080 से 8,100 तक का एक इमीडिएट रेंज लिया जा सकता है, तो ओवरऑल कॉल ये रहेगा कि 7,800 के करीब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो कल के लो के आसपास स्टॉप लेकर 8,100 का भी लेकर चल सकते हैं जी। यही समय जी, नेचुरल गैस में क्या लगता है आपको? नेचुरल गैस में हमने अभी रिसेंटली हाइज लगते हुए देखे हैं, फिर वहां पे कीमतें जो थी वो $7 के नीचे भी गई, लेकिन आज देख रहे हैं कि फिर से रिकवरी हुई है, सुबह के मुकाबले $7.5 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, तो अब नेचुरल गैस का जो बाजार है वो कैसे रहने वाला है? जी देखिए, यहाँ पर भी उठा पटक डेफिनेटली जारी रहेगी, क्योंकि यूरोप से जो रशियन गैस को लेकर जो न्यूज आ रहे हैं उसमें काफी समझता हूँ कि इनडिसाइसिवनेस हमें दिखाई दे रही है, अनिश्चितता है वहां पर भी, तो इस वजह से जो एक उठा पटक का माहौल है वो बना रहेगा। लेकिन अगर मैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू लेके चलूँ तो जब तक 615 के नीचे नेचुरल गैस के दाम रहेंगे तब तक मैं ऑल आउट तेजी नहीं प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि दाम काफी बढ़ चुके हैं, तो मैं 590 के करीब रिक्वाली प्रेफर करूंगा, 610 के आसपास के स्टॉप लॉस का टारगेट जो होगा 545 के होंगे। सिमिलरली अगर सेल बिलो का व्यू लें, अगर 565 के नीचे नया लो बन जाता है तो भी 545 के लिए टारगेट के लिए लिया जा सकता है, उस केस में 577 का स्टॉप लेके चला जा सकता है जी। अमित जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में भी हमने यहाँ पर कुछ नरमी आते हुए देखी है, पिछले कुछ हफ्ता से देख रहे हैं कि जो बेस मेटल्स हैं वो एक नरमी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, तो क्या इन्वेंट्रीज में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर जो चाइना की वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है? जी, मैं समझता हूँ कि चीन में जो लॉकडाउन है वो अभी भी जारी है और वहाँ पर कोई रिलीफ नहीं दिखती है। बीजिंग और शंघाई दोनों ही बड़े शहरों में
एक तरह से लॉकडाउन के आसार अभी भी है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में हमने काफी भारी गिरावट जिंक हो, एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, तीनों में ही देखी है। पर क्योंकि कॉपर ने 740 का एक बड़ा लक्ष्य ऑलमोस्ट हासिल कर लिया है और उसके बाद एक रिबाउंड भी आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज के सेशन में या 2 दिन अगर मैं बात करूँ 2 से 3 सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें पहले देखने मिलेगा, जहां पर दाम जो है 766 और उसके बाद 771 तक कॉपर में देखने मिल सकते हैं, जिसके बाद हमें दोबारा एक करेक्शन का दौर देखने मिलेगा। जी अमित जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? जी मैं फिलहाल कच्चे तेल में बाय प्रेफर करना चाहूंगा 7800 के करीब, 8100 के लक्ष्य के लिए, और सिमिलरली M6 कॉपर में मैं 757 के करीब बाइंग देना चाहूंगा 752 के स्टॉक के साथ, लेकिन टारगेट जो होंगे वो 766 के होंगे। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अमित जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर M6 कॉटन से। अमित जी, आज हम देख रहे हैं कि M6 कॉटन 47,000 के ऊपर ही सस्टेन है। सुबह में थोड़ी सी करेक्शन जरूर आई थी, लेकिन फिर से सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है, फिर से उन्हीं लेवल से खरीदारी भी बनी है। तो अब यहाँ से क्या लगता है, क्या कॉटन का जो बाजार है M6 कॉटन का वो ऐसे ही तेजी वाला रहेगा या फिर यहाँ से एक शार्प करेक्शन भी आएगी? जी मैं समझता हूँ कि शार्प करेक्शन हमने पिछले हफ्ते ऑलरेडी देखी थी, जहाँ पर 47,000 से जो भाव थे वो 45,000 आ गए, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो तेजी की तरफ है और 48,500 का व्यू जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्राइजेस उसके तरफ अग्रसर है, तो डिप बाइंग आज भी एडवाइज है, करंट मार्केट पे भी लिया जा सकता है 47,100 के नीचे के स्टॉक लेकर, और इमीडिएट तौर पर 48,200 से 48,500 का लक्ष्य लिया जा सकता है। जी अमित जी, बिनौला खल में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं कि बिनौला खल 2800 के बाद 2900 पर तो आया है, तो क्या अब यहाँ से बिनौला खल में फिर से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? क्या बिनौला खल फिर से 3400 वाली तेजी दिखाएगा या फिर यहीं पे सिमटेगा? जी फिलहाल जो है हमें एक रेंज बाउंड या दायरे का बाजार जरूर दिखता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2700 के जो नए लोज बने थे रिसेंटली वहाँ से प्राइस ऊपर गए हैं और उधर से फिलहाल तेजी की तरफ रुक कर रही है, तो मैं अभी भी समझता हूँ कि 3100 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य लिया जा सकता है, तो इस दिक्कत में बाइंग प्रेफर करना चाहूंगा। जी अमित जी, स्पाइस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो चाहे धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी हो, हमने तीनों ही मसालों में यहाँ पर एक नरमी वाला रुख आते हुए देखा है। फंडामेंटल्स देख रहे हैं, फंडामेंटल साइड से स्ट्रांग ही है, लेकिन तब भी देख रहे हैं यहाँ पे मसालों में ऊपरी स्तर से गिरावट आई है, करेक्शन आई है, तो ऐसे में अब मसालों में कैसा ट्रेंड रहने वाला है और मसालों में क्या अभी और करेक्शन का वेट करना चाहिए खरीदारी के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन काफी हो चुकी है, जीरे में आज हमने लगभग 1 फीसदी की तेजी देखी है और ऐसा लगता है कि यहाँ से दोबारा एक बाइंग का दौर शुरू होगा, खास करके अगर मैं जीरे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि 22,000 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म देखने मिलेंगे, तो मैं एक्चुअली करंट लेवल से रिसेंट लोस के नीचे स्टॉप लेकर 20,700 के नीचे के स्टॉप लेकर बाइंग प्रेफर करना चाहूंगा और 22,000 से 22,100 का एक इनिशियल टारगेट लेना चाहूंगा। जी अमित जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं ग्वार में भी यहाँ पे करेक्शन आई है, तो क्या प्राइसेस अब थोड़े अभी और गिरेंगे? जी देखिए ऐसा लग रहा है कि ग्वार स्पीड में यहाँ से रिकवरी की चांसेस हैं, 5,800 जो पिछले हफ्ते हमने लोज देखे थे 5,850 के, वो सस्टेन हो जाएगा और यहाँ से मैं समझता हूँ कि जिस तरह से स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में जीरे में मुझे तेजी लग रही है या फिर इवन धनिया जैसे मैं समझता हूँ कि तेजी की तरफ जाएगा, उसी प्रकार ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड में खास करके मुझे तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं, 6,150 का इमीडिएट टच होगा, 6,300 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, तो करंट लेवल से अगर बाइंग करें 5,850 के नीचे के स्टॉप लॉस लेकर तो यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी बढ़िया बनता हुआ दिखता है, तो मैं फिलहाल बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। जी अमित जी, एडिबल ऑयल्स में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं कि CPO तो इंडोनेशिया से बैन हो रखा है, लेकिन इंडिया अब मलेशिया के साथ कुछ समझौते कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे इंडिया में इस बार खबरें निकल के सामने आ रही कि ऑयल सीड की जो सोइंग है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो इन सब के बीच एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स कैसा रह सकता है? जी देखिए मुझे जो आपने बताया बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया ने जो ऑयल सीड बैन किया था उसके बाद हमने काफी वोलेटिलिटी देखी गई थी,
जबकि वो डिसीजन एक रिवर्स पीस का रिवर्स भी हुआ था, उसके बाद दोबारा लागू किया गया। सो काफी उठक उठक का दौर है। खराब शोइंग की बात कर रहे हैं वो भी एक फैक्टर है जो आगे चलकर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म लेवल मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, चाहे वो सोयाबीन हो या सीपी हो, दोनों में ही। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द हमें एक स्टेबिलिटी देखने मिलेगी या फिर बढ़त भी देखने मिल सकती है। सोयाबीन की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, मुझे लगता नहीं कि 7,100 के नीचे दाम जाएंगे, और अपसाइड में 7,700 तक के लेवल में एक दो हफ्तों में देखने मिल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी अमित जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? जी देखिए, फिलहाल एनसीएक्स कॉटन में डेफिनेटली एक बार बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि लगभग 800 से 1,000 रुपए की और तेजी बाकी है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि बहुत ही ऊंचे स्तरों पे बाइंग हो रही है, लेकिन जो ट्रेंड है फिलहाल ऊपर की तरफ है। वहीं मेरे हिसाब से जीरम में बाइंग करके चला सकते हैं 20,800 के नीचे के स्टॉक लेकर, और अपसाइड में 22,100 का लक्ष्य लेना। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, और अच्छे मुनाफे के लिए कौन सी कम्युनिटी को चूज करना चाहिए, और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुनाफे की खबरें लगातार यूं ही आती रहेंगी मार्केट एमसीवी पर।